हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मधुबाला के जीवन के बारे में। मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम दहलवी के रूप में दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुई थी। वो अताउल्लाह खान और आयशा बेगम की 11 संतानों में पांचवी थी। उनके चार भाई बहन की मौत बचपन में ही हो गई थी। उनके पिता एम्पेरियल तंबाकू कंपनी में कर्मचारी थे। मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज के साथ पैदा हुई थी, जिसका कोई इलाज नहीं थी। एक मुस्लिम फकीर ने भविष्यवाणी की थी कि मधुबाला बड़ी होकर प्रसिद्ध और भाग्य अर्जित करेगी, लेकिन एक दुखी जीवन व्यतीत करेगी और कम उम्र में ही मर जाएंगी। बचपन से ही फिल्में देखने की शौकीन मधुबाला अपनी माँ के सामने अपने पसंदीदा दृश्य का प्रदर्शन करती थी। रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद उन्होंने बचपन में ही एक फिल्म एक्ट्रेस बनने का लक्ष्य रखा, जिसे उनके पिता ने सख्ती से मना किया। 1940 में एक बड़े अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उनके पिता को कंपनी से निकाल दिया। बाद में मधुबाला के बारे में पिता का निर्णय बदल गया। 1941 में 8 साल की उम्र में मधुबाला अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गई। मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन में बसंत फिल्म में एक किशोर भूमिका के लिए साइन किया गया। अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के बांद्रा में एक बंगला किराए पर लिया, जो मौत तक उनका स्थायी निवास बन गया। मधुबाला का पहला रिश्ता 1951 की शुरुआत में उनके सह कलाकार प्रेम नाथ के साथ हुई। धार्मिक मतभेद के कारण यह 6 महीने के अंदर टूट गई। 1951 में तराना फिल्म के दौरान दिलीप कुमार के साथ उनके नाम जुड़ गई और सगाई भी कर ली, लेकिन पिता के आपत्तियों के कारण शादी नहीं हुई। चलती का नामगारी के सेट पर मधुबाला किशोर कुमार के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। 2 साल बाद मधुबाला ने 16 अक्टूबर 1960 को किशोर कुमार से अदालत में शादी कर ली। शादी के बाद मधुबाला की बीमारी बढ़ने लगी। मधुबाला और किशोर कुमार अपने डॉक्टर के साथ लंदन चले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जटिलता के कारण उनके ऑपरेशन करने से मना कर दिया और उनको 2 साल का जीवन प्रत्याशा दिया गया। जून 1966 के अंत में मधुबाला आंशिक रूप में ठीक हो गई और फिर फिल्म में लौटने का फैसला किया, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही वो बेहोश हो गई और फिल्म कभी पूरी नहीं हुई। मधुबाला ने अपने अंतिम साल बिस्तर पर ही बिताई। 1969 की शुरुआत में मधुबाला के स्वास्थ्य में बड़ी गिरावट आई। 22 फरवरी की आधी रात को उनको दिल का दौरा पड़ा। अपने परिवार और किशोर कुमार के बीच कुछ घंटों के संघर्ष के बाद 36 साल की उम्र में 23 फरवरी की सुबह 9:30 बजे उनकी मौत हो गई। उनको बॉम्बे के जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। और इसी तरह मधुबाला के जीवन यहीं पर समाप्त हो गई। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।